हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंटरडे गाइड शिवांश मशीन पे। सो गाइस, आज हम बात करने वाली हैं स्पाइसजेट के बारे में। जो HSBC है उसने डाउनग्रेड करा है स्पाइसजेट को। अगर हम कुछ रीजंस की बात करें तो क्या रीजंस थे डाउनग्रेड करने के लिए स्पाइसजेट को, तो उन्होंने ज़्यादा अपनी रिपोर्ट पर स्पेसिफिक नहीं बताया। बस ये बताया कि जो हाई वैल्यूएशंस हो गए हैं अभी स्पाइसजेट के, प्राइस हाईली वैल्यूएबल चल रहे हैं, हाई वैल्यूएशन में है, सो उसकी वजह से हमने इसको डाउनग्रेड करा है। अगर हम इसको स्पेसिफिकली समझे तो इसका मतलब ये है कि जो एक्चुअली में इन लोगों ने प्राइस को राइज करा है, पर जो एक्चुअल प्राइस, जो करंट प्राइस चल रहा है स्पाइसजेट का, उससे कम है। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो एक्चुअल प्राइस जो अभी चल रहा होगा वो अराउंड चल रहा है 145 के समथिंग के आसपास स्पाइसजेट का। और उन्होंने होल्ड की जगह अब जो रेटिंग थी उसको इंक्रीज कर दिया है प्राइस को। यानी कि सबसे पहले जो उनका टारगेट था स्पाइसजेट का वो 79 था, अब उसे बढ़ा के उन लोगों ने 115 कर दिया। पर तब भी हम कह सकते हैं कि जो करंट स्टॉक प्राइस है वो 145 पे ट्रेड कर रहा है, और जो उन लोगों ने टारगेट इंक्रीज करा है वो 115 तक ही इंक्रीज करा है। सो यानी कि अगर हम बात करें तो करंट मार्केट प्राइस से अभी भी 30-40 रुपीज़ नीचे उन्होंने टारगेट प्राइस को दिखाया गया है, क्योंकि वो बोलते हैं कि ये हाई वैल्यूएबल है, वैल्यूएशन इसके हाई है। तो अगर हम बात करते हैं कि एक और क्या रीजंस हो सकते हैं कि HSBC ने डाउनग्रेड करा हो, सो गाइस, हो सकता है कि टैक्स जो हम देख रहे हैं एविएशन सेक्टर के अंदर, वो टैक्सेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब आप देखते हैं कि ज़्यादातर 40% जो अगर हम बोल सकते हैं जो कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, वो फ्यूल है एविएशन सेक्टर के अंदर। सो जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल है, जो ATF है, वो स्पाइस जेट अगर हम मान के चल रहे, कोई एविएशन सेक्टर पूरा डिमांड कर रहा है कि वो GST के अंदर आ जाए। अगर वो स्पाइस जेट जो भी ATF है, अगर वो ATF GST के अंदर आ जाता है गाइस, तो वो एविएशन सेक्टर के लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। उससे जो उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाएगी, और उससे इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं इसकी ईयरली बेसिस के प्रॉफिट के बारे में, या जो अभी इसकी हमने मान के चले हैं आई है, सो गाइस, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है इनका। अभी भी हम मान के चले ईयरली टू ईयरली हम कह रहे हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। EPS भी बढ़ रहा है, बेसिक EPS भी अगर हम बात करें तो बढ़ रहा है। 2017 में 0.74 था, फिर 2018 की अगर हम बात करें तो 0.92 था, 94 हो चुका है पॉइंट। सो गाइस, हल्के हल्के इनका EPS भी बढ़ रहा है, और इनके जो सेल्स या जो अगर हम बात करें प्रॉफिट्स हैं वो भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। ये कंपनी अभी 3 साल में घाटे पे नहीं जा रही है, अगर हम जिस तरीके से हमने इसके रिजल्ट्स को देखा है। अब हम बात करते हैं कि ये स्टॉक गिर रहा है, पर हम सबसे पहले इसके चार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो चार्ट्स में ऐसा क्या चल रहा है, क्या अगर ये नीचे गिरता है, हमने देखा था जब मार्केट में न्यूज़ आई थी सैटरडे को, तो ये 3% या 2.5% तक गिर चुका था। अब क्या स्टॉक में हलचल रह सकती है आने वाले टाइम पे, अगर हम इसे शॉर्ट करके चले या बाय करके चले, क्या पैटर्न इसके अंदर कुछ बन भी रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। सो गाइस, बढ़ते हैं चार्ट्स की तरफ। सो गाइस, ये मैंने स्पाइसजेट का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। आप स्पाइसजेट का जैसा चार्ट देख सकते हैं, मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूँगा 70% तक की इसने मूवमेंट दे दिया है अपने लो से। गाइस, आप देख सकते हैं, मैं 3 महीने का चार्ट आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मार्च से ओपन करके रखा है, आपसे मार्च का ही देखने की अगर आप कोशिश करेगा तो भी आप पहचान जाएंगे। मार्च में जो ये था 73 था, अगर आप देखेंगे अब जो इसने हाई मारा था 156, यानी कि खुद डबल हो चुका है वो पर्टिकुलर स्टॉक। 3 महीने भी नहीं हुए हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को और ये डबल हो चुका है। गाइस, इसमें जो रैली आई थी, अगर हम रैली की बात करें, ये रैली आने का रीज़न क्या था, तो वो खुद भी आप देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल के प्राइसेज जो गिर रहे थे, और ये जो रैली स्टार्ट हुई थी ये हुई थी जब जेट एयरवेज के ऑपरेशंस को सस्पेंड कर दिया गया था। जब जितने भी ऑपरेशंस हो रहे थे जेट एयरवेज के अंदर, उन सबको सस्पेंड कर दिया गया था, तब भी हमने इसमें एक रैली देखी थी। इंडिगो में भी हमने रैली देखी थी, और ये रैली इसको डबल कर गई, यानी कि इसके स्टॉक प्राइस को डबल करके चली गई। गाइस, अब ये 3 महीने में एक पर्टिकुलर स्टॉक जब डबल हो जाता है, तो हम मान के चल सकते हैं उस पर थोड़ा बहुत हम करेक्शन देख सकते हैं, यानी कि 50% या 61.8% तक का करेक्शन हम मिनिमम मानते हैं। अगर वो वापस अपने उस हाई को ब्रेक करती है, तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि ओवरबॉट कंडीशन आ गई थी इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, और एक बहुत अच्छा पैटर्न बना हुआ है, जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी एक पैटर्न के बारे में सजेस्ट करा था, जो कि है बटरफ्लाई पैटर्न। अब सबसे पहले हम स्टॉक को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से बन रहा है। हम अपने ट्रेंड लाइंस ऑफ फिबोनाची को यूज़ करते हैं।
आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो इसके हाइज हैं, जहाँ पर ये बहुत बार रेजिस्टेंस फेस कर चुका है, उस हाइज को हम मिलाने की कोशिश करते हैं। जी गाइस, तो आप देख सकते हैं कि मैंने उनके हाइज को मिलाने की कोशिश कर दी है, और आप देख सकते हैं बार बार ये रेजिस्टेंस फेस करती है। इधर भी इसने रेजिस्टेंस, दूसरे टाइम 3 बार, 4 बार, 5वीं बार रेजिस्टेंस, और 6 बार, यानी कि कुल 6 बार ये रेजिस्टेंस फेस कर चुकी है, और यहाँ से 6 बार ये लगातार नीचे गिर चुकी है। अब नीचे गिर चुकी है, तो जब ये यहाँ से नीचे गिरती है, तो पर्टिकुलरली हम मान के चलते हैं, तो इसका पहली गिरावट जोन होती है वो होती है अराउंड 145, और उसके बाद 125, और उसके बाद अगर वो पर्टिकुलर स्टॉक ये प्राइस ब्रेक होता है, तो वहाँ से हम और डाउनफॉल की बात करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने टाइम कंसोलिडेट करा था 145 के लेवल के आसपास, उसके बाद यहाँ पर 2 बार इसने रेजिस्टेंस भी फेस करा था। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने सपोर्ट भी फेस करा था, उसके बाद उछाल आई थी। तो 145 या 140 के बीच में आ गई, अगर 5 पॉइंट्स की बात करें तो ये क्रूशियल लेवल है, ये एक डिफ पॉइंट है जहाँ पर ये पर्टिकुलर स्पाइस सस्टेन कर सकता है और वापस अपमूव या डाउनफॉल आ सकती है। सो अगर 145 या 140 का लेवल ब्रेक होता है, सो हम वहाँ से अपनी एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 125, और अगर ये 145 को होल्ड कर लेता है, तो हमारा न्यू टारगेट हो सकता है 160 का। सो गाइस, अब हम बात करते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टॉक में जो 3% की गिरावट आई थी, तो उसके पीछे रीज़न क्या है और ये अपने हाई से क्यों गिरा। हो सकता था ये पर्टिकुलर हाई को ब्रेक कर सकता था। अब हम पैटर्न की बात करते हैं, तो मैं एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना चाहूँगा, उस पर आपको ध्यान से दिख जाएगा कि मैं किस पैटर्न की बात कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर स्टॉक ने यहाँ से जो गिरावट स्टार्ट करी थी, जो एक सीधी फॉल आई थी, मैं यहाँ से इस पर्टिकुलर स्टॉक में फिबोनाची बनाना चाहूँगा और उसके बॉटम तक। मैं आपको थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ। जी गाइस, सो आप देखिएगा, जी गाइस, अब देख सकते हैं कि यहाँ से जहाँ से इसने गिरावट शुरुआत करी थी, वहाँ पर ही मैंने अपना फिबोनाची ड्रॉ करा था और उसके बॉटम तक लेकर गया। अब बॉटम तक लेकर मैं चला गया हूँ, अब उसके बाद हमें क्या लगता है कि फिबोनाची हमें क्या सजेस्ट कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि इस लेवल से इसने जो अपमूव दिखाई थी, मैं आपको दोबारा एक बार लेकर चलता हूँ, 1 सेकेंड। जी, ये जो अपमूव, मैं एक बार दोबारा इस फिबोनाची को बना देता हूँ, इसमें कोई दिक्कत आ रही है। जी गाइस, जो जिस पॉइंट से वो गिरा था, उस पॉइंट से मैंने फिबोनाची ड्रॉ कर दिया है उसके बॉटम तक। जी, अब आप देख सकते हैं कि फिबोनाची जब मैंने ड्रॉ करा था, तो उसका 161.8% रिट्रेसमेंट लेवल किधर आ रहा है, इसके टॉप पे। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं दो ट्रेंड लाइंस और ड्रॉ करता हूँ, दो ट्रेंड लाइंस तो मैं नहीं कहना चाहूंगा, पर दो लाइंस अगर मैं ड्रॉ करता हूँ बिल्कुल इस तरीके की, तो आप खुद देख लेंगे कि ये किस तरीके का पैटर्न बन रहा है। ये बन रहा है बटरफ्लाई पैटर्न, यानी कि आप देख सकते हैं ये एक बटरफ्लाई पैटर्न बन रहा है, और जो इसका टॉप होता है वो 161.8% का रिट्रेसमेंट लेवल होता है, और जिस पॉइंट से हम मैच करते हैं वो इस फिबोनाची का 50% या 61.8% का लेवल होना चाहिए, तभी ये एक बटरफ्लाई पैटर्न माना जाएगा। सो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल उसी लेवल पे ही है, 50% के लेवल पे ही है। सो हम कह सकते हैं कि एक ये बटरफ्लाई पैटर्न सजेस्ट कर रहा है। सो यानी कि अगर हम कहें कि 150 155 के आसपास इसका बटरफ्लाई पैटर्न कंप्लीट हो गया, तो इसका नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए, वो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए 38 का रिट्रेसमेंट लेवल, जो कि है 140 का। मैंने अभी आपको खुद ही बताया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल यहीं पर ये एक अपना सपोर्ट फेस कर रहा है और इधर अपने रेजिस्टेंस फेस करा। सो यानी कि 145 to 140 का लेवल एक क्रूशियल लेवल है, एक रेंज है, जिस रेंज के नीचे अगर वो पर्टिकुलर काउंटर जाता है, और ये रेंज के अगर नीचे वो जाता है, तो उसका फर्स्ट टारगेट होगा 125 या 118, 125 to 118 के बीच में वो पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड कर सकता है और उसके बाद बाउंस कर सकता है। सो अगर हम मान के चले इसमें हम अपनी शॉर्ट पोजीशन को कब इनिशिएट करना है, कि जब ये 140 का लेवल को ब्रेक करेगा,
ब्रेक करने के बाद आप अपनी इसमें शॉर्ट पोजीशन को इनिशिएट करेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ 118। गाइज मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि ये गिरावट क्यों आ रही है क्योंकि स्टॉक बहुत बुरा है, इसके फंडामेंटल्स बुरे हैं, नहीं, बहुत अच्छा स्टॉक है, इसके फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी खासी इसमें रैली आ गई थी, ऑलमोस्ट अपना स्टॉक डबल हो चुका है। सो हम कह सकते हैं कि एक करेक्शन आना लाजमी है और ये बहुत बार अपने हाई से नीचे आ चुका है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत तेज़ी से सेलिंग आ जाती है, जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सो अब हम कह सकते हैं कि यहाँ से एक पर्टिकुलर स्टॉक को आप बेच के चल सकते हैं, और अगर आपको फ्रेश बाइंग भी करनी होगी तो फ्रेश बाइंग आप कब स्टार्ट कर सकते हैं, 120 के लेवल से आप इसमें अपनी फ्रेश बाइंग पोजीशन को इनिशिएट कर सकते हैं। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं कि कुछ टाइम पहले की, जहाँ से इसने 4 दिन के अंदर ये पर्टिकुलर स्टॉक 70 रुपये बढ़ गया था। सो अगर हम वहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं तो उसमें हमें क्या पैटर्न्स दिखते हैं, और हम अपने टारगेट और स्टॉप लॉस को उस तरीके से भी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। सो मैं दोबारा एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना चाहूँगा जी गाइस, इस लेवल से आपको मैं दोबारा जूम करके दिखा देता हूँ। ये लेवल है जहाँ से इसने अपनी उछाल की शुरुआत करी थी, अगर हम बात करें 60-70 पॉइंट की, तो मैं यहाँ से एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। फिबोनाची रिट्रेसमेंट जैसे ही मैंने ड्रॉ करा तो आप खुद अपने आंखों से देख सकते हैं कि इसने एक जो करेक्शन दिखाई थी, यानी कि हमने देखा था वो एग्जैक्ट 61.8% की थी, और वहाँ से वापस ये ऊपर चला गया था अपने प्रीवियस हाई की तरफ। अब दोबारा गिरावट आ रही है, तो दोबारा गिरावट में हम क्या कह सकते हैं कि दोबारा गिरावट पे ये इस रेंज के अंदर आ सकता है दोबारा, यानी कि 130 to 118 के बीच में आ सकता है। अब मैंने आपको क्या कहा था, 125 to 118 एक क्रूशियल लेवल है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं 50 MA है 125 के लेवल पे। सो मुझे लगता है कि 125 की रेंज को टेस्ट करते ही वहाँ से भी ऊपर जा सकता है, या फिर अपने प्रीवियस स्विंग लो यानी कि जो है 118 का लेवल, वहाँ से भी उछाल दिखा सकता है। सो आपके लिए बेस्ट बाइंग होगी स्पाइसजेट के अंदर 118 to 120 के बीच में। सो मैंने आपको एक अच्छा ट्रेड बताया जो आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा सकता है, और अगर आप इसे होल्ड करके रखेंगे, आप अपने इसको एनालाइज करेंगे, तो 3 साल का जो इसका रिटर्न है, ऑलमोस्ट 70% का 3 साल का इसमें रिटर्न हमने देखा है। महीने महीने के अंदर भी इसने 20-20% तक के रिटर्न दिए हैं गाइस। सो एक ये बेस्ट काउंटर है आपके पोर्टफोलियो के लिए। एक एविएशन स्टॉक जो आप रखना चाहें वो एक स्पाइस जेट है, क्योंकि आप देख सकते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव ले रही है। एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा भी एविएशन सेक्टर के अंदर ही बढ़ सकती है, हम कह सकते हैं। एक और हम कहें कि ग्रोथ इकोनॉमी, जो ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में चल रही है, उसमें एक और रीज़न है एविएशन सेक्टर। सो एविएशन सेक्टर को बूस्ट अप करने की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है, बहुत ज़्यादा एयरपोर्ट्स बना रही है हर जगह में। सो गाइस, ये एक बेस्ट पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर बेस्ट पर्टिकुलर एक स्टॉक है जो आप अपने फ्यूचर पोर्टफोलियो में रख सकते हैं फ्यूचर के लिए, और आपको अच्छा खासा रिटर्न ये ज़रूर देकर जाएगा आपके फ्यूचर में। सो गाइस, इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। सो मैं मिलता हूँ आपसे कल नई अगली वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ।